मध्य प्रदेश कांग्रेस जनता के बीच वचन पत्र लेकर आने वाली और पार्टी ने वचन पत्र समिति भी गठित कर लिया। आपको इसी के साथ ही बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हर जनसभा में जनता को एक वचन दे रहे हैं और जिसके बाद वचन पत्र समिति के वजूद पर ही सवाल उठने लगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले की परासिया में नारी सम्मान योजना को लेकर वचन दिया। यह वचन उन्होंने भाजपा की शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में दिया, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा कमलनाथ ने सरकार बनने के बाद कर दिया। वहीं धार जिले के बदनावर में कमलनाथ ने एक और बड़ा वचन प्रदेश की जनता को दिया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 100 यूनिट में बिजली मुफ्त और 200 यूनिट का हाफ बिल लिया जाएगा, जिसको लेकर अब सत्ताधारी दल बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। कांग्रेस शुरू से झूठ बोलने का अभियान लेकर चल रही है। आपको मालूम है कि 2018 के चुनाव के पहले इन्होंने एक पूरा वचन पत्र लिखा था, इतना बहुत मोटा वचन पत्र था और उस वचन पत्र की कोई मांग 15 महीने की इनकी सरकार में पूरी नहीं हुई। चुनाव में जाना है, समय जनता के बीच जाना है तो जनता को ठगने का प्रयास करते, 70 साल ये ठगते रहे। तो कुल मिलाकर झूठ के आधार पर, ठगी के आधार पर लोगों को ठगने का काम करने का कांग्रेस करती रही है और उसी तारतम्य में बोलने का है तो कुछ भी बोलते रहो। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की माने तो जनता को उन पर विश्वास करना होगा क्योंकि यह विश्वास का चुनाव है, लेकिन कमलनाथ की लगातार हो रही घोषणाओं से यह भी सवाल उठने लगा है जब कांग्रेस अध्यक्ष सभी वचन सार्वजनिक मंच से वचन पत्र आने के पहले ही कर देंगे तो फिर वचन पत्र समिति की बैठकों और जारी होने वाले वचन पत्र का क्या महत्व बचेगा, जिसको लेकर वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का कहना है कि कर्नाटक की तर्ज पर हम प्रमुख वचनों को जनता के बीच ले जा रहे हैं, बाकी जन समस्याओं के हिसाब से वचन पत्र में वचन दिए जाएंगे। तो हम शॉर्टलिस्ट भी कर रहे हैं कुछ चीजों को, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस के 5 वचन वो बहुत चला, तो वचन पत्र में तो बहुत सारी चीजें होंगी। हर ग्रुप को फोकस कर रहे हैं हम लोग और कैसे बेहतर मध्य प्रदेश हम बना सकते हैं। आज बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, करप्शन बहुत ज्यादा है और बाकी सब के कंसर्न हम एड्रेस कर रहे हैं जो हमारा मुख्य वचन पत्र है, जब आएगा तो आप देखेंगे। कमलनाथ जी जो घोषित कर चुके हैं वो नारी सम्मान योजना है जिसमें 1500 रूपए महिलाओं को देना है, 500 रूपए में गैस सिलेंडर देना है। बहरहाल मिशन देश के मैदान को फतेह करने के लिए निकली कांग्रेस अपनी मजबूत चुनावी रणनीति पर काम करती हुई दिख रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के जनसभाओं में दिए जा रहे वचन भी इस रणनीति का हिस्सा हैं और वचन पत्र आने से पहले दिए जा रहे वचनों का भी व्यापक असर जनता में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कमलनाथ के दिए वचनों के अलावा ऐसे कौन से वचन और होंगे जो वचन पत्र समिति की अनुशंसा के बाद कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल किए जाएंगे। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल।